क्योंकि वो बेशरम सरकार है, उसके ऊपर तो असर पड़ने वाला नहीं है, चाहे तुम जितना कर दो। कानून छीन लिया, उसको दे दिया कि जब चाहो तब निकाल दो, जब चाहो उसको रखो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बना दिया, तो ये मजदूर पर बहुत बड़ा हमला है। हालांकि और सरकारें करती हैं तो रेवड़ी कहते हैं और खुद दिए जा रहे हैं कि जब तक आप धर्म को राजनीति में लाएंगे नफरत फैलेगी। राशन जो मोदी जी ने दे है तो उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता है, और आज जो दिया है कल वो भी बंद कर दे। इन्होंने जो वादे किए थे अपने वादे से हट गए हैं, जुमलेबाजी वादे हैं, तो काला धन भी नहीं आया ना ला पाए, और बल्कि नोटबंदी करके इन्होंने काला धन और बढ़वा दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इस समय मैं अम्बेडकर भवन में मौजूद हूं। और आज दिल्ली में CI2 की एक बड़ी रैली थी, तमाम कार्यकर्ता थे और पूरे देश से लोग आए हुए थे, हज़ारों की संख्या में जो है रामलीला मैदान में तमाम लोग इकट्ठे हुए थे। ऐसे में मेरे साथ कॉमरेड हैं तमाम, ये इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शकील साहब, ये बताइए कि आज की जो रैली हुई है, मजदूर किसान संघर्ष रैली थी, रामलीला मैदान आप लोगों ने भर दिया, कितना असर सरकार पर होगा? देखिए, सरकार पे तो असर इसका बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए है, वो तो कहीं ना कहीं बहाना करेगी, क्योंकि वो बेशरम सरकार है, उसके ऊपर तो असर पड़ने वाला नहीं है, चाहे तुम जितना कर दो, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि ये जो हम लोगों ने ताकत दिखाई है यहाँ आ करके, इससे ज़्यादा आगे का जो प्रोग्राम होगा उससे ज़्यादा ताकत दिखाएंगे, ठीक है ना। ये तो एक ट्रेलर है जो अभी चल रहा है। असल में जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, इसने मजदूर वर्ग के ऊपर, किसान वर्ग के ऊपर सब पे हमला करना शुरू कर दिया है। अब मजदूर में कौन आता है? संगठित क्षेत्र का मजदूर है, असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, इसी तरीके से आशा वर्कर हैं, आशा हैं, ठीक है ना, और इसके बाद आंगनबाड़ी के लोग हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, और इसके बाद उद्योग के हैं, तो मजदूर में सभी लोग आते हैं। इसी तरह किसान में है, किसान सभा के लोग हैं, खेतियर मजदूर हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ और समझ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मजदूर वर्ग के क्या क्या हक छीने गए हैं? देखिए, मजदूर वर्ग के तो सबसे पहले 44 श्रम कानूनी छीन लिए और 4 कोड में बदल दिए, ठीक है ना। तो जो 44 श्रम कानून थे तो वो एक उनकी सुरक्षा करते थे, किसी उद्योग में काम कर रहे हैं तो वो कानून की सुरक्षा करते थे। अब क्या है, कानून छीन लिया, उसको दे दिया कि जब चाहो तब निकाल दो, जब चाहो उसको रखो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बना दिया, तो ये मजदूर पर बहुत बड़ा हमला है। जब चाहो तब निकाल दो, यूज़ एंड थ्रो, जैसे नहीं यूज़ करो फिर एकदम फेंक दो, और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बढ़ावा दिया। देखिए, देश का जब भी विकास हुआ है, कहीं किसी कंट्री का देख लो, तो जनता का विकास तभी संभव है कि सभी चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में हो। प्राइवेट सेक्टर में कहीं विकास होता है, जैसे कोरोना फैला, देखा होगा आपने, कोरोना में देखिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, चूँकि वह स्वास्थ्य जो था प्राइवेट सेक्टर में था, ठीक है ना, और एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में था, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। जो समाजवादी देश थे तो उनके यहाँ क्या है कि उनके यहाँ प्रभाव नहीं पड़ा, ज़्यादा मृत्यु भी नहीं ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि स्वास्थ्य जो है गवर्नमेंट के सेक्टर में था, एजुकेशन गवर्नमेंट के सेक्टर में था, सब चलता रहा, फूड की गारंटी है, हर चीज़ है। यहाँ क्या गारंटी, आदमी मर जाए तो उसकी भी गारंटी नहीं है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाने की भी गारंटी नहीं है, उसका इलाज की भी गारंटी नहीं है। तो ऐसी सरकार को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए, बिल्कुल उखाड़ देना चाहिए जड़ से। तो क्या क्या मुद्दे हैं अभी आप कह रहे हैं, अभी तो ये मतलब एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म दिखाओगे आप, तो फिर किन मुद्दों को लेकर आओगे? मुद्दे ही हमारे कि एक तो जो श्रम कानून है 44, उनको बहाल किया जाए, ठीक है ना, और सख्ती से उनके ऊपर लागू किया जाए, और इसका जो किसान है उसका MSP लागू करो। अभी MSP कहाँ लागू कर रहे हैं, बस कह दिया कि भाई बिल हमने वापस ले लिया, क्योंकि किसानों की एक ताकत थी, जो वो ताकत उन्होंने ऑल इंडिया दिखाई, एक साल के बाद इनको बिल वापस लेना पड़ा, ये किसानों ने दिखा दिया। ये हिटलर था, किसी की सुनता नहीं था, लेकिन पहली बार किसान आंदोलन ने इनको झुका करके बिल वापस करना पड़ गया, ठीक है ना। ये RSS की सबसे बड़ी विफलता मान लो, कि जो कहते थे हम जो करते हैं वो हम वापस नहीं लेते, ये वापस लेना पड़ा, क्योंकि जनहित में था, करना पड़ा। चलिए देखिए, कुछ और लोग भी हैं। मेरा मानना ये है कि जो पब्लिक इशूज हैं, जैसे देखिए किसी भी मिनिस्टर से इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर महंगाई पर बोलने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी पर बोलने को तैयार नहीं है, पब्लिक की और समस्याओं पर बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, ये फ्री अनाज बांट के वोट अपने फेवर में करने वाली पॉलिसी है सिर्फ, नहीं अदरवाइज़ आप बिना काम कराए किसी को खा के खिला के
और सोचे कि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएगा, ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ ये बूटी बांटते हैं, हालांकि और सरकारें करती हैं तो रेवड़ी कहते हैं और खुद दिए जा रहे हैं, हैं? लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं रखते, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है। इतने आंदोलन होते हैं, पब्लिक इश्यूज उठते हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। हाँ, तो वही तो सवाल भी है। सुनिए सुनिए, जैसा कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि जब तक आप धर्म को राजनीति में लाएंगे नफरत फैलेगी। हिंदू मुस्लिम क्यों किया? साफ था, इन्होंने कह के किया कि हम जो मेजॉरिटी वोट जो है अपने फेवर में करना चाहते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी बहुत हैं। दुष्परिणाम देखिए, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, जो रिजर्वेशन था डाउन टर्टन्स का, बैकवर्ड्स का, एससीज का, एसटीज का, वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि प्राइवेट में रिजर्वेशन तो है नहीं, तो उनका तो नुकसान ही नुकसान है। देखिए 2024 में अगर ये सरकार ने अपनी नीतियों को नहीं बदला, मजदूरों किसानों के ऊपर जो इनके हमले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर है, तो आज की रैली भी ये साबित करती है कि पूरे देश का मजदूर किसान खेतिहर मजदूर ये हिंदू मुसलमान अपने को नहीं मानता है, ये अपने को मजदूर एक वर्ग है। लेकिन बिहार एक साथ मिलकर बिहार और बंगाल में जातीय समीकरण हो सकते हैं, लेकिन 2024 में पूरे देश का मजदूर किसान एक साथ मिलकर आज की रैली के माध्यम से चेतावनी दिया है कि अगर मोदी सरकार ने अपनी मजदूर विरोधी किसान विरोधी नीतियों को नहीं वापस किया तो 2024 में ये मजदूर और किसान संगठित होकर एक साथ मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। मुस्लिम को टाइट कर दिया, जहाँ उसका भले यहाँ पर जो भी करे वो जो कर रहा है, मगर बिहार में जो है मुस्लिम का वोट उनको नहीं कभी मिला है ना कभी मिलेगा। अच्छा, दंगा जो हुआ है उसको क्या कैसे देखते हैं आप? जो अभी जो दंगा हम लोग देख रहे हैं, जगह जगह दंगा करा रहे हैं, वो इससे तफरका, ये तो अभी कुछ नहीं है। ये तो हमारे ख्याल से जो है कि 24 के बाद ये मोदी का सरकार अगर बना तो देश को बर्बाद करेगा, फूटा चना करके जैसे फूटा करके रख दिया है। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं और 1500 रुपये जो रोज हमारे को मिलता है उसमें हमारे को बढ़ाई उसमें हमारे को बढ़ोतरी होना, इसीलिए हम भी यूनियन के साथ में जुड़े हुए हैं। और हमारा कहना है कि हमारा जो मजदूरी है 50 रुपये में हम क्या करें? मोदी जी ने जो इतना गैस सिलेंडर बढ़ा दिया है तो 50 रुपये में हम खुद खाए क्या? गैस सिलेंडर लाए और वो खाए क्या? खाए हम क्या? हम खुद बस्ट हो जाए अगर वो उससे सिलेंडर। पहले वाला गैस सिलेंडर महंगा था, इसीलिए तो सरकार चेंज कर दिया। हाँ, हमने कहा चेंज करें, वो खुद ही चेंज हो गए हैं। आज भी हम उनको बदलना चाहते हैं और हम बदल करेंगे। राशन जो मोदी जी ने दे रहे हैं तो उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता है, और आज जो दिया है कल वो भी बंद कर दे। 5 किलो राशन तो 5 किलो मिल रहा है तो वो बंद होने वाला है ना, वो भी नहीं मिल रहा। जो फ्री दिए है वो भी कोई काम का नहीं हुआ, और जो आगे देंगे वो भी कोई काम का नहीं है। इसलिए मोदी जी से भी कहना है हमारा कि हमको जो राशन चालू है हमारा वो राशन तो 2024 में तो हम तो इसके पहले ही भी मोदी जी को नहीं चाहते थे और अब भी नहीं चाहते। 24 में तो हमारा जो हमको करना है विश्व में उनका डंका होगा ना, डंका होगा ना, डंके से कोई मतलब नहीं है। हमारे को जो करना है हम वो करेंगे, और हमने इसके पहले भी हमको जो करना था वही करे थे। हमने मोदी जी को लाए नहीं और ना लाएंगे अब इसके बाद। 2024 में माहौल ये है कि इनको उखाड़ के फेंकना है, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, और ये तमाम जो बिल ये लाए हैं इसके खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है। इन्होंने जो वादे किए थे अपने वादे से हट गए हैं, जुमलेबाजी वादे हैं। ये जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है, ठीक है ना। इन्होंने कहा था बेरोजगारों को जो है हम 15-15 लाख देंगे, बेरोजगार जो है खूब वोट दिया इनको, आज उसको 15 लाख तो मिला नहीं, ठीक है ना। काला धन हम लाएंगे तो काला धन भी नहीं आया ना ला पाए, और बल्कि नोटबंदी करके इन्होंने काला धन और बढ़वा दिया, और जो पैसा नोटबंदी में वापस आया तो 99% तो रिजर्व बैंक में आ ही गया, तो काला धन रहा कहाँ? तो एक तो इनका सब फेल हो चुका है, तो जुमलेबाजी रहा है। 24 में ये बुरी तरीके से हारेंगे, ये हारेंगे जीतेगा कौन? अब आएगा, बनेगा, विकल्प है उसका, मजदूर किसान का विकल्प है, बनेगा आगे, वो जीतेगा। दोस्तों, ये तमाम लोग थे और अलग अलग बातें रखी हैं अपनी 2024 को लेकर, और आज का जो आंदोलन था CI2 का, यह तमाम संगठन जो लगातार ऐसा मानते कि उनका शोषण हो रहा है, वो संघर्ष कर रहे हैं वर्तमान सरकार के सामने, तो लगातार इस तरीके के आंदोलन पूरे देश में लगातार हो रहे हैं और जनता का जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम लोगों की
बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर करें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।